pretty and talented Mugdha Chapekar, who is currently seen entertaining the audience as Anisha on Saheb Biwi Aur Boss, is enjoying her role to the core. In a conversation with India Forums, Mugdha shares her experience about being a part of the show and much more. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, शुरुआत अच्छे से हुई, अभी भी अच्छा जा रहा है. इनफैक्ट जहाँ भी अभी मैं जाती हूँ, बहुत रिसेंटली अभी मुझे, मैं एक मॉल में गई हुई थी पिछले हफ्ते, एंड पीपल रिकॉग्नाइज ही अनीशा. सो सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यू नो पुराने किरदारों की वजह से बहुत लोग जानते हैं, लेकिन आप नया कुछ काम कर रहे हो और उस वजह से लोग जानते हैं, एक्टर के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है. सो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है. डबल रोल का एक्सपीरियंस मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरे लिए भी ये सरप्राइज था. मुझे पता नहीं था कि ये डबल रोल होने वाला है. अचानक से मैं शूटिंग पे आया, पता चला ऐसा ऐसा है. सो इट वॉज़ फन, एंड यू नो उसमें मैं बहती गई और लोगों को अनीशा से ज़्यादा मनीषा पसंद आने लगी. इनफैक्ट मेरा भी पर्सनल चॉइस वही है, क्योंकि उसमें बहुत मज़ेदार कुछ अपने किरदार से परे कुछ करने का मौका मिलता है. सो इट इज़ फन, एंड द गुड थिंग इज़ दिस इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू अनीशा एंड मनीषा, बट अभी अलग अलग स्टोरीज़ में यू नो अलग अलग डिफरेंट किरदार निभाने को मिल रहे हैं मुझे. जैसे कि अभी टेलीकास्ट में आपने देखा होगा कि मैंने एक शेख की बीवी बनी हूँ. नेक्स्ट में यू नो आई विल बी प्लेइंग अ पुलिस इंस्पेक्टर, एंड बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैंने कभी की नहीं है. सो डिस्गाइजेस एंड यू नो डिफरेंट कैरेक्टर्स, विच इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज एंड फन टू डू. कॉमेडी को देखना और करना मुझे दोनों इतना पसंद है. रीज़न ये है कि मुझे ऐसे लगता है कि कॉमेडी यू नो सबको अच्छा लगता है. बच्चे भी हंसते हैं, बूढ़े भी हंसते हैं, बुजुर्ग भी हंसते हैं, और यू नो सब हंसते हैं. एंड आई थिंक लोगों की जो स्ट्रेस भरी लाइफ होती है, उससे उनको थोड़ा सा बाहर निकल के आना होता है. हर एक को, इफ़ आई गो होम, मैं भी पैकअप के बाद घर जाती हूँ, मुझे कुछ कॉमेडी, कुछ रिफ्रेशिंग देखने को मिले तो मुझे अच्छा लगता है ना, फैमिली के साथ बैठ के. वही जाके अगर मैं ऐसे नेगेटिव चीज़ें और बहुत ही वैसे ड्रामास, मेलो ड्रामास देखने को मिले, तो ऑलरेडी जिंदगी में इतने टेंशन्स रहते हैं और दूसरे के क्यों ले. दैट्स द सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट. सो कॉमेडी इज़ फन, कॉमेडी इज़ अमेजिंग. ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक्टर के लिए हर शो में उस टाइम के लिए लाइफ यू नो थोड़ी सी मिलती जुलती हो जाती है शो से. मतलब हम उस किरदार में रहते हैं, उस माहौल में रहते हैं, उस स्क्रिप्ट दिमाग में रहती है. कॉमेडी का यही सबसे बेस्ट रीज़न है कि यू कैन बी योरसेल्फ. मैं जो हूँ वही आपको दिखाई दूंगी कॉमेडी में, जबकि ड्रामा में ऐसा होता नहीं है. पूरा वो टेंशन में यू नो घूमना पड़ता है, बट इन दिस इज़ द बेस्ट. दैट्स व्हाई आई एम एंजॉयिंग इट मोर. ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, मुझे सभी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे एक फैमिली के अंदर का छोटा सा एक वो है कि जब रेशम जो है, डेफिनेटली बहुत टाइम से मैं उनको जानती हूँ और वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. एंड सुप्रिया जी जो है, जो मेरी सास बनी है, और फिरोज जी है जो मतलब मम्मी पापा जो बने हैं मेरे सास ससुर, उनके साथ वी हैव जस्ट बिकम लाइक अ फैमिली. मतलब मम्मी पापा बेटी हम तीनों को ऐसे ही देखा जाता है, बहुत मज़ा आता है, बिकॉज वो यू नो दोनों मेरे जैसे हैं बिल्कुल ही. बहुत सिंपल है, छोटी छोटी चीज़ों में उन्हें मज़ा आता है. हम बैठ के चाय और पराठे खाते हैं, सुप्रिया जी कुछ बना के लाती, कभी मैं लाती हूँ, और उन्होंने गपशप करते हैं, बहुत मज़ा आता है. सो इट्स फन, फैमिली बन चुकी है, जैसे कि हर सेट पर बनती हमारी भी है. सो ऐसे अच्छे लोगों के साथ बैठना, पॉजिटिव बातें करना, अच्छाई में रहना, किसको पसंद नहीं है. शादी के प्लान्स तो है, पर अभी एक्चुअली काम चल रहा है, तो यू नो थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रही हूँ सोचने के लिए. वो एक्चुअली हमने मम्मी पापा फैमिलीज के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले ली है कि वही सब डिसाइड करेंगे. हाँ, जैसे ही डिसाइड करेंगे हम मान लेंगे. कम मिलना जुलना होता है, बिकॉज मैं थोड़ा सा दूर शूट करती हूँ, मुंबई में शूट नहीं करती. सो दैट इज़ द रीज़न, शूट करके बहुत लेट हो जाता है जब तक घर पहुँच जाती हूँ, एंड यू नो मिलना जुलना लगभग होता ही नहीं है. शो के लिए रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने अभी आपसे शेयर किया, यू नो एक लड़की आई एंड शी सेड कि ये अनीशा, एंड यू नो बहुत लोग बोलते हैं और मनीषा को, अनीशा को बहुत पसंद करते हैं. कॉमेडी को लोग कहते हैं कि आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, यू नो अच्छा लगता है सबको देखना, ऐसे खूबसूरत परिवार देखना. अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं लोगों के. सो गॉड हैज़ बीन काइंड, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, एंड आई एम रियली हैप्पी डूइंग साहिब बीवी आवर बॉस. We wish you all the best, Mugdha. Anvesha Kamal, Cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Mugdha Chapekar. You're watching India Forums. Please, please subscribe to them on their YouTube channel.